उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद पति ने पत्नी के शव को नहर में फेंक दिया। सूचना के आधार पर आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और महिला का शव भी बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि पति का दूसरी महिला के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और पत्नी इसमें रोड़ा बन रही थी। गाजियाबाद के नहाली गांव में रहने वाला आरोपी सद्दाम हुसैन ने पुलिस को बताया कि मृतक रेशमा खातून से उसकी शादी करीब 8 साल पहले हुई थी। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, जिसके बाद 31 अगस्त को वो पत्नी को अपनी बाइक पर बैठाकर मायके छोड़ने के बहाने से निकला और रास्ते में नहर किनारे एक सुनसान जगह पर पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को झाड़ियों के पीछे छुपा दिया था। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब मृतक की अपने घर वालों से बातचीत नहीं हुई तो उसके घर वाले गाजियाबाद पहुंचे। यहां आरोपी ने बताया कि वो बाहर घूमने गई है। शक के आधार पर परिवार ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस की पूछताछ में मामले का खुलासा हुआ है। मृतक महिला के भाई का कहना है कि उसका जीजा एक लड़की को भगा लाया था, जिसके बाद पत्नी ने अपने परिवार से उस लड़की को छुड़वा दिया था। इसका बदला लेने के लिए ही आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया है। TV9 भारतवर्ष की रिपोर्ट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।